नए साल में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने गोलीबारी कर खदेड़ा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में तीसरी बार पाक ड्रोन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बीएसएफ ने बताया कि रविवार रात करीब 10:10 पर पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को गोलीबारी कर खदेड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान गुरदासपुर सेक्टर के कमालपुर जटा में करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बीएसएफ के जवानों को एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते दिखा। बीएसएफ की 89 बटालियन के जवानों ने इसके बाद ड्रोन पर तकरीबन 20 राउंड गोलीबारी की और 3 रोशनी करने वाले बम भी चलाए। गोलीबारी के चलते ड्रोन फेसिंग के ऊपर से ही पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और इलाके में इस वक्त भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुरदासपुर सेक्टर के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने मौके का जायजा लिया और जवानों सहित स्थानीय नागरिकों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में तीसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की है। इसके पहले 73 बटालियन धर्म प्रकाश और 113 बटालियन कसोवार में भी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। मुस्तैद जवानों द्वारा पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।